हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक वॉकी टॉकी जो कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये वाईफाई के जरिए काम करते हैं। तो इसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो आर्डिनो से बना सकते हैं या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी से ये बनता है। तो चलिए आज हम लोग ये जो सर्किट है वो किस प्रकार से बना सकते हैं अपने घर पे, वो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। इस डिवाइस में सबसे पहले यूज़ करेंगे NRF24L01। ये एक वायरलेस डिवाइस है, 16 मेगाहर्ट्ज में ये चलता है। तो इसका पिन का नाम है, पहला वाला पिन है ग्राउंड, उसके बाद है BCC, उसके बाद है CE, उसके बाद CSN, उसके बाद है SCK, 6 नंबर है MOSI और 7 नंबर जो है वो है MISO। तो अभी चलिए इसका कनेक्शन 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर पे करेंगे। तो इस पर देखिए 7 नंबर जो पिन है वो है BCC यानी कि वोल्टेज देंगे हम लोग, और 8 नंबर जो है वो है ग्राउंड, हम लोग इस पर ग्राउंड देंगे। उसके बाद एक नंबर जो है वो है रीसेट यानी कि 10 के रेजिस्टेंस होके वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इस पर। और अभी देखिए 13 नंबर जो पिन है वो है CE यानी कि D7, जो डिजिटल पिन 7 होते हैं वही। और 14 नंबर जो है वो है CSN यानी कि D8 यानी कि डिजिटल पिन 8। और अभी 17 नंबर जो है वो है MOSI यानी कि डिजिटल पिन 11, तो डिजिटल पिन 11 इस पर कनेक्शन करेंगे। और अभी देखिए 18 नंबर जो है वो है MISO यानी कि डिजिटल पिन 12। और अभी आएंगे जो 19 नंबर पे हम लोग आएंगे, ये है SCK यानी कि डिजिटल पिन 13। तो अभी इस कनेक्शन को फॉलो करके हम लोग ये सर्किट बनाएंगे। तो चलिए सर्किट को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो सेम टू सेम आपको दूसरा सर्किट भी बनाना होगा, सेम टू सेम। तो अभी इस पर हम लोग प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे। तो चलिए अभी इस पर प्रोग्रामिंग अपलोड करके इसको टेस्ट करते हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर पे जाएंगे और ये जो प्रोग्रामिंग है ये प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे। आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। तो ये जब भी अपलोड हो जाएगा Arduino पे, तो इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम लोग खोलेंगे, खोल के इस पर फिट कर देंगे। सेम टू सेम दूसरा माइक्रो कंट्रोलर भी हम लोग अपलोड करके इस पे सेम प्रोग्राम अपलोड कर देंगे क्योंकि सर्किट सेम है। तो अभी हम लोग इस दोनों को टेस्ट करेंगे, करने के बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये आसानी से काम करते हैं। हेलो 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 हेलो। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग वॉकी टॉकी घर पे बना सकते हैं, वो भी आसानी से। तो ये जो वॉकी टॉकी है आप 30 मीटर तक आप काम कर सकते हैं, जितना इसका डिस्टेंस होगा वाईफाई का उतना डिस्टेंस से ये काम करेगा। तो ये वीडियो देख के अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।